वेल गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से क्लास ट्वेल्थ के लेक्चर नंबर 10 में, और लेक्चर नंबर 10 किसका चल रहा है, तो मूविंग चार्ट एंड मैग्नेटिज्म का बच्चों। तो आई होप आपको याद होगा, जो लोग लेक्चर नंबर 9 नहीं देखे तो फटाफट से जाकर के लेक्चर नंबर 9 देख लीजिएगा, ताकि चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाए आगे पहुंचने में। तो फटाफट से देखते हैं बच्चों कि कल हम लोगों ने क्या देखा था। तो हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। याद आया, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब करा हुआ था बच्चों, ये फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब किया था किसी फाइनाइट कंडक्टर के लिए। ओके, ये फाइनाइट कंडक्टर था जिसकी लेंथ हमने फिलहाल के लिए एस्टिमेट करी थी ए बी, और ये किसी पॉइंट पी पर निकालने के लिए था। ऊपर मैंने फाइव टू एंगल दिया था, नीचे मैंने फाइव वन एंगल दिया था, यहाँ पे मैंने ओरिजिन ले रखा हुआ था। तो ये किसी फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। ओके ना, अगर मैं बात करूं इसके केसेस की, तो इसमें मैंने एक केस आपको होमवर्क दे रखा था कि अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए, मतलब इनफाइनाइट लेंथ के लिए इनफाइनाइट लेंथ की बात करूं मैं, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए अब ये ए इनफाइनाइट पर बी भी इनफाइनाइट पर चला जाएगा, और जब मैं ए को मिलाने के लिए ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाली लाइन एक्चुअली पैरेलल हो जाएगी इस वाले कंडक्टर के। मतलब अगर इनफाइनाइट को ज्वाइन करने के लिए अगली लाइन उठेगी तो कहां जाके मिलेगी, ऑफकोर्स इनफाइनाइट पे। सिमिलरली मैं नीचे के लिए भी बोल सकता हूं कि अगर ये इनफाइनाइट पर चला जाएगा तो इसको मिलने के लिए कहां जाएगा, इनफाइनाइट पे। अर्थात फाइव वन की वैल्यू बच्चों इनफाइनाइट पर मिलने जाएगी ये, तो ये फाइव वन की वैल्यू 90 डिग्री बनाएगी इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। ओके, और यहाँ पर आपका पी हो गया, और इसको ज्वाइन करने के लिए इसको आप लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर से 90 डिग्री बनाएगा। ये जो आपका लाइन ज्वाइन करने जा रहा है, ये तो आपका ए इनफाइनाइट पर बी इनफाइनाइट पर पहुंच गया, अब बच्चों ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ अब आप ये कह सकते हैं, ये एक्स बच्चों ये कह सकते हैं कि फाइव वन भी 90 तथा अब फाइव टू भी बच्चों आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तब आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स 1 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों 2, कैंसिल कर लिया आपने तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स। क्या क्लियर हुआ बच्चों आपको कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स। क्लियर हो रहा है बात? ओके, तो ये हो गई बातें हमारी इनफाइनाइट के लिए। अगर मैं बात करूं सेम इनफाइनाइट जो मैंने होमवर्क दे रखा हुआ था आपको, वो कैसे निकाला जाए, ये फॉर्मूला आपको हमेशा लर्न रखना पड़ेगा ताकि चीजें थोड़ी आसान होती रहे। केस टू के बारे में बात होने जा रही है बच्चों, केस टू मतलब ये केस था सेमी इनफाइनाइट का, और ये सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है अर्ध अपरिमित, अनंत लंबाई का कहानी आप देख चुके हैं। अब हम अर्ध अनंत के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो अर्ध अनंत मतलब ये हो गया हमारा बी जो कि हमें दिखाई दे रहा है, ए कहां चला गया इनफाइनाइट पर, और ए इनफाइनाइट पर है तो यहां पर कोई पॉइंट अगर पी होगा जो कि किसी एक एंड पर है, इसमें भी दो केसेस होते हैं बच्चों, अगर ये पी एक एंड पर है मतलब किसी फाइनाइट एंड पर, और ये दूसरा इसको मिलने के लिए इसको कहां जाना होता है इनफाइनाइट पर, तो एक फाइव वन की वैल्यू को 90 मिली, और वहीं मैं फाइव टू की बात करूं बच्चों तो ये यहीं पे ज्वाइन हो जाएगा, इसीलिए ये उसी लाइन पर 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो करंट इसमें तो आई फ्लो कर रहा था और इसके बीच की डिस्टेंस तो एक्स है ही, अतः अगर मैं बी की वैल्यू की बात करूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, ये नीचे वाले के लिए बच्चों, ये कब है जब आप एक एंड पर हो, एक सिरे पर हो,
ठीक है, एक सिरे पर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बच्चों, ये वन और ये जीरो, तो आपकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन एक्स। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसी एक एंड पर, अगर आप एक एंड पर थोड़ा ऊपर हो किसी और एंगल पर हो तब क्या होगा, ऐसी भी कहानी हो सकती है, बिल्कुल ऐसी भी कहानी पॉसिबल। तो यहाँ पर ये बी है और ये ए आपका इंफाइनाइट पर है और यहाँ पर आप हो इस समय एक पी। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ एंगल चाहिए होगा, ये परपेंडिकुलर बच्चों आपने डाल रखा हुआ है एक्स और ये आपका 90 डिग्री है, ओके। तो ये करंट आपकी फ्लो हुई आई और नीचे ये पता नहीं कितना एंगल बना रहा है, इसको मान लेते हैं थीटा। तो फाइ टू की वैल्यू जो हो गई या फाइ वन की वैल्यू जो हो गई वो थीटा हो गई और एक एंड तो इनफाइनाइट पर है इसलिए एक 90 डिग्री हो गया। मतलब इसमें दूसरा वाला पार्ट जो होगा, यदि किसी बिंदु पर ये बिंदु जो है, मतलब हमें जो निकालना है वो एक एंड पर ना हो बल्कि किसी भी बिंदु पर हो, तो ऐसे केस में आप लिखेंगे v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन एक्स साइन 90 प्लस साइन थीटा, ओके। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, इसकी वैल्यू वन ये थीटा, तो आपकी वैल्यू जो मिलेगी वो हो जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई साइन 90 की वैल्यू वन, तो हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। तो हमारे पास दो केसेस निकल के आए, अगर ये इनफाइनाइट हो और अगर ये सेमी इनफाइनाइट हो। सेमी इनफाइनाइट में भी दो केस, अगर एंड पर हो या फिर किसी भी बिंदु पर हो तब ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। मैंने दोनों चीजें देख ली, आज हम लोग कुछ और भी चीजें देखेंगे बच्चों जो कि आपको जरूरत होने वाली है, ठीक। आइए तो बात करेंगे आज हम लोग इसी के बेसिस पर नोट, ठीक। किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की विशेष स्थितियां, विशेष स्थिति या ये दो स्थितियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला स्थिति बच्चों हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहले क्या जानते हैं बच्चों, कि हम लोग किसी वलय के बारे में बात करें तो वलय का हम लोग निकाल चुके हैं और वलय के केंद्र पर अगर मैं बात करूं जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर और आर बच्चों कुछ और नहीं इसकी रेडियस हुआ करती। याद आया ना, ये क्या है, किसी धारावाही वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि क्या होती थी, सबसे ज्यादा होती थी वलय के अक्षों के तुलना में। याद आया, जो लोग नहीं देखे वो फटाफट से जाके देख लीजिएगा। अब मैं पहले इसमें केस के बारे में बात करूं कि अगर ये वलय पूरा ना होता बच्चों, आधा ही होता, आधा होता मतलब अर्ध लंबाई का होता, तब क्या होता, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा। तो खुद सोचिए कि अगर ये आधा होता तो क्या पूरा ये धारा का प्रभाव उस तक पहुंचता, नहीं, आधे धारा का प्रभाव, तो चुंबकीय क्षेत्र भी जस्ट आधी हो जाएगी बच्चों। तो यहां पर अर्ध अर्ध धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, देखिए 1/2 है, 1/2 का आधा 1/4 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 आई अपॉन आर। याद रखिए बच्चों, ये मेरे पास एक केस हो गया कि अगर वृत्ताकार लूप के बारे में बात करता हूं तो ये आएगा। इसी प्रकार से मैं अगर वृत्ताकार लूप के जगह कोई क्वार्टर पार्ट ले लूं, क्वार्टर पार्ट का मतलब केवल एक चौथाई पार्ट ले लूं, ये कुछ इस तरीके का। तो आप खुद सोचिए कि पहले आप लिया करते थे
एक कंप्लीट पार्ट तो मैग्नेटिक फील्ड इतना था, अगर सेमी पार्ट लिया तो आपने दो से डिवाइड कर दिया, और अगर मैं एक क्वार्टर पार्ट लेता हूं जो कि वृत्ताकार का चौथा भाग है, तो इस पार्ट को बस चार से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जो दो था वो दो को और चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 करने का मतलब चार से मल्टीप्लाई अगर दो में कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्वार्टर, मतलब वृत्त के वृत्ताकार लूप के चौथाई भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 8 I अपॉन R। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बच्चों कैसे निकालते हैं, तो आज मैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के बारे में बात करूंगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालने की कोशिश करता हूं तो आपकी ये वाले राइट हैंड की थंब रूल को फॉलो किया जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन ये होता है, तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर करंट हमें डायरेक्शन निकालने के लिए अगर करंट क्या हो एंटी क्लॉक हो, एंटी क्लॉक ये घड़ी की विपरीत दिशा है, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठे की दिशा होगी, और ये कहां होगी चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा तल के बाहर, और बाहर को कैसे दिखाते हैं बच्चों डॉट से, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा होगा डॉट। अगर करंट क्लॉकवाइज हो जाए, मतलब अगर मैं घड़ी की दिशा में बात करूं ऐसे आपका हाथ ऐसे मुड़ रहा है, राइट हैंड दाया हाथ इधर मुड़ रहा है, दाया हाथ इधर मुड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंगूठा होता है, और अंगूठे की दिशा कहां है अंदर की ओर, तो अंदर मतलब इनसाइड टू द प्लेन, तो ये हो जाएगा क्रॉस। तो ये किसी भी लूप को सॉल्व करते समय डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और ये डायरेक्शन ही हमें आगे क्वेश्चन को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। ओके, इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। अगर ये किसी करंट कैरिंग आर्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है, थर्ड, ठीक है, धारावाही आर्क को हम लोग कहते हैं क्या चाप, धारावाही वृत्ताकार, चाप अथवा खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर मैं इसके कारण निकालने की कोशिश करूं तो मैग्नेटिक फील्ड अगर छोटे से खंड से निकले, कहां पर सेंटर पे, इसका भी तो सेंटर होगा, सेंटर करंट क्या पास हो रहा है आई, कितना एंगल बनाता है ये चाप, कुछ तो बनाता होगा, मान लेते हैं थीटा बनाता है, या फिर अगर आप मानना चाहे तो मान ले अल्फा बना रहा, हमें इसके कारण केवल केंद्र पर निकालना है, तो केंद्र पर आपको तो पूरे वृत्त के कारण पता ही है। अगर मैं किसी एक पार्ट का निकाल लू, एक डिग्री का निकाल लू, अगर पूरे एक साइकिल के बारे में बात करूं बच्चों, अगर मैं पूरे एक साइकिल की, तो पूरे एक साइकिल में कितना एंगल बनता है 360 डिग्री या फिर 2π, क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं ये 2π पूरे एंगल का है। अगर मैं एक डिग्री का निकालने को इस वाले पूरे सर्किल से, तो एक डिग्री का निकालने के लिए क्या करना होगा 2π से डिवाइड ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 डिग्री के लिए निकालना होगा, तो μ0/2 I/R, ये तो पूरे एक साइकिल के लिए है, पूरे साइकिल के लिए आपको एक डिग्री का निकालना होगा, तो आप 2π से डिवाइड कर दीजिए, बात समझ आई। अब मुझे एक डिग्री का पता चल गया, आपको एक डिग्री का पता चला, आपको कितने डिग्री के लिए निकालना है अल्फा डिग्री के लिए, तो ये अल्फा डिग्री से आप क्या करिए इसको मल्टीप्लाई करिए, ये डिग्री है बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो इस डिग्री को हम पाई में बदलेंगे, मतलब रेडियन में बदल लेंगे बाद में, तो ये हो जाएगा B=μ0/2 I/R, ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 4π, ओके, और साथ में अल्फा, याद रखिएगा यहाँ पे जो अल्फा लेना होगा वो किसमें लेना होगा, हमको रेडियन में लेना होगा, मतलब उसको हम चेंज करके जरूर बदल लेंगे, ठीक। ये हो गई आपकी पूरे वृत्ताकार लूप की कहानी खत्म। आपको कुछ करना है क्वेश्चन जो बैठ करके प्रैक्टिस के लिए आपको काम देगी, और ये है पहला होमवर्क, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल आपको निकालना है कि अगर इसमें करंट जो है
वो 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, जिसकी जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि केंद्र पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिमिलरली मैं एक वृत्ताकार लूप ले लेता हूँ और इस वृत्ताकार लूप में 2 एम्पियर की धारा बह रही है जिसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो आपको इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा ये भी निकालना होगा। तो ये 2 काम आप करके रखेंगे ताकि हम अगले क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में बात कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर का वेट करिए।